हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल इंडिया जॉब में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेशनल हेल्थ मिशन की आई वैकेंसी के बारे में। साथ ही साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी होंगी, जॉब लोकेशन कहाँ पे होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम एंट्रेंस की रेट क्या होगी, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, एडमिट कार्ड कब इशू होगा और जनरल कंडीशन के बारे में। चलिए, अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आगे वाले वीडियो में आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। गाइस, जितना मुझे ये वीडियो बनाने में टाइम लगा होगा, शायद आपको उतना वीडियो लाइक करने में टाइम मिलेगा, तो प्लीज इसे लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। जो गाइस नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसमें रखी है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, जिसमें बैचलर डिग्री आयुर्वेदिक मेडिसिन से, बैचलर यूनानी मेडिसिन से या बैचलर ऑफ डिग्री नर्सिंग से किया होना चाहिए। जो इसकी पोस्ट लोकेशन की बात करें गाइस, तो नंबर एक पे है थाने रायगढ़, पलघर, नासिक, नदूराबार, जलगांव, अहमदनगर, पुणे, सतारा, सिंधुदुर्ग, लातूर, उस्मानाबाद, नंदेड़, अमरावती, यवतमाल, नागपुर, वाडा, बांद्रा, गोंडिया एंड चंदीपुर, गढ़चिरौली, सांगली। ये सारे आपकी पोस्टों की जॉब लोकेशन है, आपकी सिटीज के नाम है। एंड जो इसकी जो पे स्केल होगा 10,000 पर मंथ होगा ड्यूरिंग ऑफ द पीरियड इन सर्टिफिकेट, एंड आफ्टर दैट 25,000 पर मंथ होगा। जो मेन सेंटर्स हैं डीडीएस थाने, इसके अंदर थाने रायगढ़ पलघर आता है, एंड डीडीएच नासिक, जिसमें नासिक, नदूराबाद, जलगांव एंड अहमदनगर, डीडीएच पुणे, सतारा, डीडीएच कोरापुर में सिंधुदुर्ग, संगली, डीडीएच लातूर में लातूर, उस्मानाबाद, नंदेड, डीडीएच अकोला में अमरावती एंड यवतमाल आता है, एंड डीडीएच नागपुर में नागपुर, वाड़ा, बांद्रा, गोंडिया, चंद्रापुर, गढ़चिरौली, ये आते हैं। ये गाइस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आपका जो फीस डिमांड होगी, जो रिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए 100 रुपीज, जो अनरिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए 150 रुपीज, जो इसी के फेवर में बनाए जाएंगे, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा गाइस। इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा 21 जुलाई को होगा एग्जाम, इसका एंट्रेंस एग्जाम 1:11 से 1 के बीच में होगा। एंड जो नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 15 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, टोटल मार्क्स होंगे 100, नो निगेटिव मार्किंग इसमें कोई होगी नहीं। एंड एडमिट कार्ड की बात करें, जो एडमिट कार्ड आप फॉर्म फिल में मेंशन करेंगे, उस मेल पे आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड करा दिया जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा। एंड आफ्टर डेट जो उसमें जो मेन बात गाइस ये है कि ये जो पोस्ट है प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट पे है और ना ही केंद्र सरकार पे है। ओके गाइस, और आगे आपको मैं फॉर्म को फिल करने का पूरा फीस की बात कर रहे हैं गाइस। तो हाँ, जिसकी डिमांड पर फिर बनना है आपको, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि डीडीएच पुणे, डीडीएच नागपुर, उनके हिसाब से ही आपको पेमेंट देनी होगी जिस सिटी पे आप अप्लाई कर रहे हैं। एंड जो रिजर्व कैटेगरी की फीस थी 100 रुपीज, एंड अनरिजर्व कैटेगरी की 150 रुपीज इन फेवर ऑफ द रिस्पेक्टेड डीडीएच हेल्थ सर्विस। एंड गाइस, एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपका, ये रहा, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप को फिल करना है उस डिस्ट्रिक्ट से आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे पहले जैसे कि मान लीजिए थाने से रायगढ़ से फिल किया तो रायगढ़ आपको डालना होगा, एंड जिस पोस्ट के लिए आप पोजिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। नेम आपका याद रखिए कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ब्लैक बॉल पेन से होना चाहिए। फादर्स नेम, आफ्टर दैट डेट ऑफ बर्थ एंड ब्लड ग्रुप, जेंडर, रिलीजन, नेशनैलिटी एंड मैरिटल स्टेटस। आफ्टर दैट एड्रेस, इफ यू हैव एनी अदर एड्रेस तो प्लीज मेंशन देयर, एंड ईमेल आईडी प्रोवाइड हेयर, अल्टरनेट ईमेल आईडी इफ एनी सो प्लीज प्रोवाइड। And language, which language you know, that mention the yes you know and English and Hindi and Marathi. If your knowledge of the
कंप्यूटर प्रोफेसरी प्लीज मेंशन देयर यू हैव डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेस सो प्लीज आप यहाँ पे इसको फिल कर सकते हैं एंड एक्सपीरियंस है अगर आपको तो एक्सपीरियंस का कॉलम ये आप इसमें भी फिल कर सकते हैं गाइस ये मेंशन करना मत भूलिएगा टोटल एक्सपीरियंस आपको कितने मंथ कितने ईयर का है ये मेंशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है फिर इसके बाद आपको सिग्नेचर करने होंगे यहाँ पे और ये जो एड्रेस है मेन डिस्ट्रिक्ट के ये सारे एड्रेस हैं DDS थाने जिसमें से थाने रायगढ़ परगढ़ मैंने आपको पहले भी बताया था ये सारे आपको मेंशन करने होंगे एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड शेयर